सागर जिला में जिला पंचायत के सदस्य सरबजीत सिंह लोधी पे बड़ो आरोप लगे है। उन पे आरोप है कि उनने बांदरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पे स्थित सौरभ ढाबे पे हवाई फायर करी दहशत पैदा करने को प्रयास करे। अपने साथी इनके संग मिलकर ढाबे पे और उतरे खड़े चार पहिया वाहनों में तोड़फोड़ करी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है और इनके वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हैं। दरअसल सौरभ साहू नाम के व्यक्ति नेशनल हाईवे पे ढाबा चलाउ थे। उनके मुताबिक मंगलवार की रात के बांदरी के कछु युवा आए थे, चाय पीवे आए थे। ढाबे पे पहले से ही सरबजीत लोधी को ड्राइवर सौरभ सूर्यवंशी अपने एक साथी के संग बैठे तो इन दो ही पक्षों के बीच विवाद भाव और ढाबा मालिक ने दो ही पक्षों को अलग अलग कर दो। इसके बाद सौरभ सूर्यवंशी जो जिला पंचायत सदस्य सरबजीत सिंह को ड्राइवर है, उन्हें सरबजीत सिंह को फोन करके बुला लो। और फिर आरोप है कि सरबजीत के संग हार्दिक ठाकुर संदीप राय आए और कार से उतरते साथ सरबजीत ने दोनाली बंदूक से एक के बाद एक क्यों फायर करे। ई के बाद अन्य लोग ढाबे में घुस गए, गाली गलौज करत भय तोड़फोड़ करन लगे और ढाबा मालिक से भी मारपीट करी गई है। बांदी के चार लड़के आए, चाय पीने ढाबे पे हमारे, तो सर्विस का ड्राइवर बैठा था केबिन में, खाना खा रहा था। टीवी से इन दोनों की कहा सुनी हो गई, कहा सुनी होने में इन दोनों ने मार माने रूमा झटकी हो गई, तो हमने अलग अलग किया। इसके बाद बांदी के लड़के हमने अलग कर दिया, उनको भी अलग कर दिया। इसके बाद ने सर्विस को फोन लगाया जिला पंचायत सदस्य सागर, जिनने फोन लगाया ड्राइवर ने सौरभ सूर्यवंशी ने, सर्वजीत के ड्राइवर है। तो वहाँ से सर्विस एकदम आए, उधर उनने ना मेरे से पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आर के साथ फायरिंग की उनने, बाहर तोड़ फोड़ की। फिर उसके बाद ढाबा में अंदर आए, यहाँ फायरिंग की, फायरिंग करने के बाद इनने जिया जी को मारा। जिया जी का क्या नाम? जिया जी का। और ढाबे में भी तोड़ फी, फ्रेज LCD वगैरह इनने सब तोड़ फोड़ करके, और मुँह पे कपड़ा बांधे हुए थे सर्विस, और इनने फायरिंग की कारतूस के साथ में, ये फायरिंग की है जो पाँच फायरिंग की है। और एक पास में लड़का कारतूस उठाता जा रहा था, ये निशान ना मिले। हमारे यहाँ कैमरे लगे हैं, 16 कैमरों में पूरा रिकॉर्ड है, सर्विस कैसे आए, कैसे मारपीट की। हमारी अगर कोई गलती हो तो कैमरे में सब देख सकते हैं। सर्विस का आतंक दहशत बनाने यहाँ आए, गाड़ी जो यहाँ पर रूटर लगी हुई थी कैमरे में रिकॉर्डिंग में है, ये एकदम उतरे हुए उतरते साथ इन्हें फायरिंग की और मारपीट की हम लोगों के साथ, और हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई बात। जब वे भागने लगे तो उन्हीं में से एक लड़का बोलने लगा, सर्जीत भैया इधर गया सौरभ, यही है। तुमने सोचा जीजा के लिए सौरभ है, तो सरजीत का नाम ले रहा था बार बार, उनके जो लड़के हैं भाग रहे थे, सरजीत भैया आ जा यहाँ पर, चले हो गई तोड़फोड़, मार दिया अपन ने, चलो सरजीत करके नाम लिया उनने। तो सरजीत ने सफ़ेद कपड़ा और सफ़ेद कुर्ता बांध रखा था, सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था और जींस का पैंट, और मारते हुए धमकी दे के चले गए। ये दिनांक 23/7/24 की बात है, रात्रि करीब 9:30 बजे दो पक्ष सोरा ढाबा पर खाना खा रहे थे, उसी को लेके आपस में उनका विवाद हुआ, और जिस विवाद के चलते एक पक्ष सौरभ सूर्यवंशी का विवाद हुआ था, और कुछ लोग अन्य लोग थे जो समाप्त लोकल के थे, ढाबा वाले के द्वारा उस विवाद को शांत कराया गया। उसके पश्चात सौरभ सूर्यवंशी द्वारा अपने कुछ अन्य साथियों को बुलवाया, जिन्होंने आकर ढाबा पर तोड़फोड़ की और मारपीट की और हवाई फायर भी किए, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई राजनीतिक कच भी इसमें सामने आया? अभी सामान्य रूप से सिर्फ ये खाना खाने पर से विवाद शुरू हुआ था और वही विवाद है, अन्य कोई राजनीतिक पहलू इसमें समझ में नहीं आ रहा। घटना किन लोगों पर मामला दर्ज किया गया? सरबजीत सिंह है और उनके अन्य साथीगण हैं जिनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। सरबजीत तो वर्तमान में जनपद सदस्य भी है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ नाम मालूम है कि सरबजीत हैं, जो आगे विवेचना के दौरान ज्ञात होगा कि कौन क्या है। जिस बंदूक से फायर किए गए, क्या वो लाइसेंसी बंदूक थी या फिर? वो आगे कार्रवाई में क्लियर होगा कि कौन सी राइफल थी, जब्ती होने के बाद इस बात की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वो राइफल किस प्रकार की थी। अभी जब्ती नहीं हुई है?
अभी दिखती नहीं है। फिलहाल पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर सरबजीत लोधी, सौरभ सूर्यवंशी, हार्दिक ठाकुर और संदीप राय के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लो है। चार ही आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मालथोन से विकास सेन, बुंदेली, बौछार के लाने। एकलव यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।